संतों के दर्शन करने से, उनके चरण रज माथे पे लगाने से, संतों की शीत प्रसादी ग्रहण करने से, संतों के दर्शन करने से, उनकी वार्तालाप करने से, संतों की सेवा करने से, उनके वस्त्र धोने से, संतों की कुटियों में सोहनी सेवा करने से, झाड़ू लगाने से, और उनके श्री मुख से कुछ भी, चाहे वो गाली दे रहे हैं हमको, सुनो बड़े ध्यान से, लाटरी लग रही है, प्रेम से यदि कुछ सुना रहे हैं तब तो कहने क्या, यदि संत हमको डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, श्राप तक दे रहे हैं, तब भी समझो दे रहे हैं बहुत कुछ श्राप के माध्यम से, क्योंकि हम इसी लायक हैं। जैसे नारद जी ने कुबेर के दोनों पुत्रों को श्राप दिया, जाओ जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ, देव योनि से पतित तो हो जाओ, लगाना श्राप। लेकिन संत का क्रोध है, यही देव ऋषि नारद जी मुग्धादि सखी के रूप में निकुंज में हैं, श्राप दिया कुबेर के पुत्रों से, स्वर्ग से पतित तो हो गए, वृक्ष बन गए, लेकिन कहां के वृक्ष बने, पाकिस्तान के नहीं, जिसके नीचे बकरे की गर्दन कटती है, ऐसे वृक्ष नहीं बने, भारत के, उसमें भी ब्रज के, उसमें भी नंद बाबा के आंगन में, जिसके नीचे कन्हैया झूला झूल रहे हैं, घुटन घुटन खेल रहे हैं, धूर भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीली कछोटे, सखी काग के बाग को कह कहिए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। इसी दोनों वृक्षों के नीचे कन्हैया खेल रहे हैं, ब्रजवास मिला है देव पुत्रों को, श्री कृष्ण के दर्शन स्पर्श प्राप्त हुआ, भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ श्री कृष्ण से, जड़ योनि से ही मुक्त नहीं हुए, माया से भी मुक्त हो गए। ये है किसका चमत्कार, एक संत के क्रोध का चमत्कार है, एक संत के श्राप का चमत्कार है। देव पुत्रों को श्राप मिला, कन्हैया के दर्शन हो गए। जितने भी राक्षस है ना, ये सब संतों के द्वारा श्रापित है, जो कृष्ण राम आदि के हाथों मरे, और इन सब को प्रभु की प्राप्ति हुई, सबका कल्याण हो। ये तो है श्राप की महिमा, तो इनका तो श्राप भी कृपा है। तो संतों के दर्शन, संतों का के साथ संभाषण, उनकी सेवा, चैतन्य से सेवा करें। और मैं कहना चाहूंगा, जो भी 108 कुटियों में आए, ये तपस्थली है, ये 108 कुटिया ये भोग भूमि नहीं है, ये तपस्थली है संतों की। जिस जीवन को संत जी रहे हैं, आपको तो एक दो दिन जीना है बस, उसके बाद घर चले जाना है, वहां एसी लगे हैं, भोग है आपके पास, भोगते रहो और भगवान से दूरियां बनाते रहो, ये तपस्थली है। सोचिए एक दिन दो दिन में आप परेशान हो जाते हैं, गर्मी गर्मी एसी की आदतें पाल रखी हैं, और संत तो हर रोज रह रहे हैं, तुमसे एक दिन नहीं रहा जा रहा है, यहां भी फोन करके कहते हैं एसी कमरा बुक करा दो हमारा, ये तपस्थली है। बहालो ब्रज में पसीना, ये ब्रज की गर्म गर्म हवाएं, ये ब्रज की गर्मी तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पापों को निकाल रही है। हम तो कहते कुटिया में अपने, तो पंखा भी बंद कर दो, बहने दो पसीना, नींद नहीं आ रही है, कर लो नींद आराम, भगवान के लिए कर लो तपस्या, कर लो जागरण, राधे राधे जब 108 कुटियों में। भाग्यशाली है, तो ये संतों की तपस्थली है 108 कुटिया, न कि भोग भूमि। दो दिन जरा आप भी संतों का जीवन जी के देख लो, संत तो हर रोज रह रहे हैं बिना कूलर के, बिना एसी के, आप जरा एक दिन रह के देखो ना संत कैसे जीवन जीते हैं। और ये गृहस्थी लोग कितने ऐसे बोलते हैं, संतों की तो मौज है, मजे हैं संतों के, तो तू भी मजे ले ले, पत्नी छोड़ के, घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के ले आओ हमारे पास, लो मजे,
कुटिया में बहुत मजे हैं, दो दिन नहीं काट पाओगे, जो कहते हो ना संतों के बड़े मजे, दो दिन नहीं झेल पाओगे, एक दिन मुश्किल पड़ जाता है। ये संतों की तपस्थली है, और जितने भी संत यहाँ विराजमान है कुटियों में, इनके घरों में कोई कमी नहीं है, हरा भरा परिवार छोड़ के आ गए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, चाहते भी भोग भोग सकते थे, लेकिन भोग तो जानवर भी भोग लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, भोग तो देवता भी भोग रहे हैं, लेकिन देवताओं के लिए लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव जीवन, किस लिए, इसी में तपस्या हो सकती है। वहां स्वर्ग में इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, इंद्रियों के भोग इतने अधिक होते हैं और भोगने का लाल 24 घंटे दिमाग में छाया रहता है, वहां भक्ति नहीं होगी, वहां भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, देवताओं का उद्धार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जानवर भी सब भोग भोग रहे हैं, लेकिन उनका भी उद्धार नहीं हो सकता, ये मनुष्य जीवन है। जब आओ 108 कुटियों में, कम से कम एक दिन तो रहो, एक दिन तो देखो संतों का जीवन कैसा होता है। जो लोग कहते हैं संतों के बड़े मजे हैं, जरा आओ 108 कुटियों में, पता चलेगा। मैं तो कहना चाहूंगा सबको कम से कम एक एक दिन तो रहना ही चाहिए, फिर पता चलेगा संतों का जीवन क्या है। तो संतों का संग, निकुंज का चिंतन, राधा नाम जाप, चिंतन करते हुए, ये है उस परम रस को प्राप्त करने का साधन। हर समय जप करते रहो महामंत्र युगल मंत्र, चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन कुछ समय निकालो, घंटा दो घंटा सुबह शाम, उस समय युगल मंत्र महामंत्र छोड़ दो, और उस समय केवल राधा नाम, आंख बंद कर लो, मैं सखी हूं, मैं वृंदावन में हूं, चाहे आप कहीं भी हो, शरीर से मन से चल मन श्री वृंदावन माही, जा मधि मोहन महल सुशोभित, कल्प तरु की छाही, चल मन श्री वृंदावन माही, ले जाओ मन को वृंदावन, अष्टयाम सेवा करो, एक याम की तो कम से कम करो, घंटा दो घंटा सुबह शाम बैठो। हरि नाम जपते जपते सब काम करना सीखो, मन को मिले आराम थोड़ा ध्यान करना सीखो, हर वक्त ना करो तो सुबह शाम करना सीखो, पल में कमाल होगा जीवन निहाल होगा, बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप।